Hi guys, welcome back to my channel Kali Vlogging. Today I bring you guys brand new video again. And guys, आज मैं हूँ Red Fort लाल किले के बाहर दिल्ली में. So आज हम explore करेंगे Red Fort. So let's go. So guys, finally पहुँच चुकी हूँ मैं Red Fort के बाहर और इतनी ज़्यादा भीड़ अभी देखो मैं हूँ लाइन पे टिकट के एंड इतनी ज़्यादा भीड़ है. माय गॉड, मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने एक साल बाद पहली बार देखी है. एंड क्योंकि आज संडे है तो सारे ही आज शायद रेड फोर्ट आए हैं, तो देखते हैं अभी हमें कितना टाइम लगता है टिकट मिलने में. भाई अभी हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे स्पेशल एंट्री, क्योंकि शायद कुछ हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो अभी हमें स्पेशल एंट्री हो सकती है. अब मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है माय गॉड. तो अभी हम वहाँ पे गए हैं लाइन से हट के, कोई एंट्री मिल जाती है. मिल चुका है स्पेशल टिकट 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगा. तो ज़्यादा मैंने पेड इतनी बड़ी लाइन में नहीं लगना पड़ा. तो अभी चलते हैं एंट्री गेट की तरफ. सो आई एम विद माय पार्टनर इन क्राइम और मेरे पार्टनर इन क्राइम की वजह से ही मुझे स्पेशल टिकट मिला है जो कि 2 मिनट में मिल गया, नहीं तो इतनी बड़ी लंबी लाइन एंड ऊपर से धूप. तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं अभी अंदर की तरफ. फाइनली थैंक गॉड. So guys, finally, so look guys behind me. ये ट्राइकलर को देख के अलग ही फील होता है बिल्कुल. एंट्री गेट अभी भी समथिंग 200 मीटर आगे है. एंड आपने देखा वहाँ पे बच्चे थे गेट पे, आंटी कह रहे थे इट्स ओके आई एम आंटी. मतलब लग रहा है मुझे मास्क उतारना पड़ेगा, मास्क नहीं उतार सकते. लेकिन देखो गाइस वहाँ पे उसके फ्लैग होस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एंड यहाँ से जाते हैं बिल्कुल. यहाँ पे अलाउड नहीं. देखिए यहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे यहाँ पे शॉप्स लगी है छोटी बड़ी. अरे यहाँ पे पीछे देखो मेरे यहाँ पे शॉप है, सारी जगह शॉप ही शॉप है. सो अभी हम उधर से आए एंड इतने सारे लोग बिल्कुल घूर घूर के देख रहे हैं. मुझे लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ बट इट्स ओके, मास्क पहना. दूसरी डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं. विदाउट गाइड आप करते हैं. अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ से, सोचते हैं आगे की ओर. गाइस लुक बिहाइंड मी, यहाँ पे है दीवाने आलम एंड यहाँ पे बिल्कुल प्रजा होती थी. एंड आपको वहाँ अंदर एक मिरर का दिख रहा होगा पीछे, वहाँ पे राजा बैठते थे किंग एंड यहाँ पे बिल्कुल उनकी सिक्को लगाई जाती थी प्रजा. अभी हम म्यूजियम ढूंढते ढूंढते थक गए, अभी मिट नहीं रहा मैं म्यूजियम एंड आ गया. आप पीछे देखिए मेरे कितना सुंदर लगा. अभी हमने थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लिया है, बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है. थोड़ा मास्क भी उतार लिया मैंने थोड़ी देर के लिए एंड पानी वानी पीते हैं. बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए धूप भी हो रही थी. अभी छाव में बैठ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना. मेरे पीछे देखा अभी तो हमने अभी लाइक अभी 20% ही घूमा है, 20% ही इसके अंदर आए हैं और लग नहीं रहा कि पूरा कर पाएंगे. बस देखते हैं जाएंगे कितने भी आगे जा सकते हैं. सो ब्लॉग में बने. ये अंडरग्राउंड यहाँ पे गाइस आपको पीछे दिख रहा है, ये है खास महल. यहाँ पे लाइक एलिफेंट और लाइन से मिलकर ना यहाँ पे फाइटिंग होती थी, जो अपने राजा अपने एंटरटेनमेंट के लिए आते थे. तो अभी अंदर से यहाँ पे आपको जो हुक दिख रहे हैं जो एनिमल्स को बाधक जाता था जाया जाता था. एंड ये देखो आप यहाँ पे बिल्कुल हाथियों की और
शेरों वगैरह की यहाँ पे फिर फाइट करवाई जाती थी। देखिए गाइस, अभी हम है गार्डन एरिया पे एंड यहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के एंड अलग अलग पेड़ है। देखिए आप मेरे पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे भी। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फाउंटेन वाला एरिया, यहाँ पे बिल्कुल बड़े बड़े फव्वारे चलते हैं एंड यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं गार्डन जैसा आपने पहले मूवीज़ में देखा होगा। ये पूरा वही एरिया है जैसे बाहुबली में बिल्कुल नहीं होता एंड यहाँ पे बिल्कुल क्लीन वाटर समथिंग। ये पूरे यहाँ पे फाउंटेन की पूरे फव्वारे इतने बड़े बड़े पर क्या अभी कोई मेंटेन नहीं है। तो गाइस हमें फाइनली मिल चुका है म्यूज़ियम एंड म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पे था, सो लेट्स गो इनसाइड। गाइस आई एम इनसाइड द म्यूजियम, आप देखते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में वाला बाग हत्याकांड उसके बारे में पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में था। यहाँ पे भी है सेकंड स्टोरी में पूरा डिटेल दी गई है वर्ल्ड वॉर के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हमारी वर्ल्ड स्टार्ट हुई है एंड बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के बारे में यहाँ पे प्रोटेटिक के बारे में, तब ब्लैक एसी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दी है। ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत सुंदर है, पूरा हर चीज़ के बारे में आपको दिखाया गया है। अभी हम सेकेंड वाले फ्लोर में चलते हैं। Oh, he's the guy. So, देखिए गाइस ये है उधम सिंह, इन्होंने ही जो जनरल डायर थे उनको गोली मारी थी। So, गाइस अभी हम फाइनली म्यूजियम के अंदर से आ चुके हैं एंड बहुत सारी वहाँ पे हमें डिटेल्स पता चली अलग अलग यहाँ पे वॉर्स के बारे में, हर जो हमारे वॉर हुए उनके बारे में सब डिटेल थी। तो वो उनको थकान इतनी ज़्यादा हो गई, भूख इतनी भयंकर लगी है कि पूछते हैं। सेम है, थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, भूख बहुत ज़्यादा भयंकर लग गई है, तो चलते हैं बाहर खाने के लिए, अब नहीं घूमा जा रहा। गाइस अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हम वापस जा रहे हैं एंड वही बाजार है, वही मार्केट है जो छत्ता बाजार है। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम बाहर। सो गाइस ये था मेरा फाइनली रेड फोर्ट का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा एंड मैंने जितनी पूरी कोशिश करी आपको दिखाने की एंड पब्लिक में ब्लॉगिंग करना है वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इफ यू गाइस लाइक माय वीडियो प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑन, जिससे आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग इज लाइव। I see you guys in the next vlog. Thank you so much for watching my video. Till then.